भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला चला हाँ चला चला स्वच्छ भारत अभियान। नमस्कार, अभिनंदन इस्तकबाल आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ला। दर्शकों, एक बात कही जाती है कि नदी पत्थर को अपनी शक्ति से नहीं काटती, पत्थर को काटती है नदी की दृढ़ता, नदी की अटलता, यानी कि परसिस्टेंस। और यही दृढ़ता, यही अटलता, यही परसिस्टेंस हमें दिखाना है स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सही राह में कार्य किए जाएँ। क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए खुले में शौच नहीं करना है, लेकिन शौचालयों का निर्माण कैसे करना है ये जानना जरूरी है। हर कोई जानता है कि शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले हाथों को धोना है, लेकिन हाथों को कैसे धोना है ये जानना जरूरी है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसे मामले हैं दर्शकों, जिन पर चिंतन और चर्चाएं बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए आज के इस विशेष अंक में हमारे साथ मौजूद हैं यूनिसेफ की वॉश स्पेशलिस्ट श्रीमती ममिता बोरा ठक्कर। ममिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। ममिता जी, परिवर्तन तो आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्या आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, क्या कहती हैं आप? देखिए, परिवर्तन मेरे हिसाब से बेशक आ रहा है और काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। और ये जानने के लिए हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं शुरुआत में। और जहाँ आंकड़े की बात आती है, तब मैं कहना चाहूँगी कि 1990 यानी 1990 को जब MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जब डिक्लेयर हुई थी, तब देश में, भारत में खुले में शौच जाने वालों की संख्या या प्रतिशत बोलिए तो लगभग 91%, यानी कि 9% घरों में ही शौचालय का व्यवस्था था। लेकिन वो आज आप 2015 में जब हम खड़े हैं, तब 15-16 के करीब, तब GMP जो जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है यूनिसेफ WHO की जॉइंट एक रिपोर्ट निकलती है हर 2 साल में, तो इसके अनुसार जो संख्या है जो खुले में शौच जाते हैं वो घट के लगभग 61%, यानी कि 61% हो गई है। तो आप देखिए, लगभग 30% का डिफरेंस आज ये इन सालों में आया है। तो वो दर जो है, आप देखिए, ये 30 साल में लगभग 30% का फ़र्क आया है, यानी कि हर साल लगभग 1% का फ़र्क, 1.1 to 1.2% रिडक्शन होता है ऑफ ओपन डिफिकेटर्स, यानी कि खुले में जो शौच जाते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन जैसे 2014 दिसंबर में जैसे ही डिक्लेयर हुआ, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक आह्वान दिया सभी को कि देश को खुले शौच से मुक्त करना है, स्वच्छ बनाना है, तो इस आह्वान के बाद काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स, काफ़ी सारे लोग भी इसमें जुड़ गए। यानी बहुत बड़ा देश में, मैं बोलूँगी, एक बदलाव, एक रेवोल्यूशन जैसा एक रेडिकल एक प्रोग्राम बना। और उसके बाद अब पिछले 1 साल में देखा गया है कि हर क्वार्टर में, यानी कि हर 4 महीने में, ये 3 महीने में ये टॉयलेट बनने की जो गति है उसमें वृद्धि हुई है। आंकड़े तो सुधर रहे हैं, लेकिन व्यवहार भी सुधर रहा है। ये मैं बता दूं कि सिर्फ टॉयलेट बना देना या शौचालय बना देना या शौचालय का निर्माण कर देना वो काफ़ी नहीं है, बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है वो व्यवहारों में, ताकि वो जो शौचालय बने वो उपयोग में आए, इस्तेमाल हो, लोग खुले में शौच जाने से की जो आदत थी वो उसमें बदलाव आए, वही सोशल नॉर्म की जो हम बात करते हैं वो बदलाव, उसमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सैनिटेशन का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ शौचालय कंस्ट्रक्शन वाली बात नहीं है, ये बिहेवियर चेंज वाला प्रोग्राम है। तो उसके साथ साथ सरकार ने बाकी के जो एनवायरनमेंट है उसको भी बदलना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन पैकेजेस बनने चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करें, हैंड वॉशिंग भी इसमें इंटीग्रेटेड हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि अभी ऐसा है कि हम जो बड़े हैं हम ये समझते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, जो नई नई माताएं हैं, उनकी तरफ हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब बालक बहुत छोटा होता है, यानी कि 2 साल या 2 साल से छोटा, या बहुत ही जब उनका जो शौच है उसमें जो कीटाणु है वो नहीं होते हैं, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। तो ये भी बदलाव आना चाहिए कि साथ साथ में शौचालय निर्माण करें, बड़े तो जाए, साथ साथ में बच्चों का जो शौच है वो भी शौचालय में ही फेंकना चाहिए। तो ये सारे जो व्यवहार परिवर्तन की बात है इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया, बच्चों को जागरूक कर दिया, तो कहीं ना कहीं पूरी पीढ़ी सुधर जाती है, क्या कहती हैं आप? एकदम सही बात है कि पूरी पीढ़ी सुधरती है और ये आगे जाके यही माताएं बनते हैं, पिता बनते हैं, वो अपने बच्चों को यही सीख दे सकते हैं, यही ज्ञान दे सकते हैं। तो बच्चों को इस पूरे कार्यक्रम में शामिल करने के लिए भी
सरकार ने तो अपने तरफ से कोशिश किया है, जो स्वच्छ भारत के तहत जो स्वच्छ विद्यालय जो हम की जो हम बात कर रहे हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय का एक नया मिशन भी गवर्नमेंट ने पिछले 2014 अक्टूबर में लॉन्च किया है। पूरी दिशा निर्देश जैसे हम मैं कहूँगी एक दिशा देती है कि हमने कम्युनिटी का तो बना दिया है शौचालय या कम्युनिटी में तो फोकस हो ही रहा है स्वच्छ भारत अभियान, पर स्कूलों में क्या करना चाहिए उस पर उसके बारे में एक बहुत अच्छा एक गाइडेंस है। जो बच्चे होते हैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो बड़ों से बच्चों तक पहुंचता है, लेकिन वर्तमान दौर में ये देखा जा रहा है कि बच्चों से भी ज्ञान जो है वो बड़े और बूढ़ों तक पहुंच रहा है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल से घर आता है और अपने घर वाले सभी सदस्यों को कहीं बैठा देखता है, कुछ काम करता देखता है, यकीनन आप मानिए कि घर के लोगों की आदत होती है ये पूछने की कि बच्चे आज स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ाया तुमको, क्या ज्ञान तुमने अर्जित किया, और ऐसे में अगर बच्चा घर वालों को बताए कि मुझे ये लेसन मिला कि हाथ धोना चाहिए शौच जाने के बाद, खाने से पहले, तो यकीनन बड़ों तक यानी कि बॉटम टू टॉप भी जो है वो नॉलेज फ्लो होता है। यही बात आपको दिखाने जा रहे हैं हम अपनी अगली स्टोरी में। आपको बता दें कि ICC और यूनिसेफ ने मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम यानी कि टीम स्वच्छ नाम का ये कार्यक्रम अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बच्चों को कैसे हेल्थ हाइजीन वाटर सैनिटेशन का ज्ञान दिया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए। गेम बेस्ड एप्लीकेशन से T20 वर्ल्ड कप के दौरान कई सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली है, कुछ एक्टिवेशन किट्स लॉन्च होने वाले हैं। आइए डालते हैं एक नज़र इस स्टोरी पर। I welcome you all to the launch of Cricket for Good and Team Swachh collaboration. Team Swachh is the first of a series of collaborations between the ICC and UNICEF under the aegis of Cricket for Good. This collaboration aims to build a social movement for sanitation and toilet use, thereby leading to a common goal of a clean India. In addition, the Team Swachh Action Kit, which is a unique cricket and game-based toolkit, will be launched at the World T20 in schools. The kit contains a set of exciting cricket-based or cricket-themed games, along with an implementation handbook. As a legacy, after the World T20, the kits will be distributed in schools at district level. Thank you for your attendance and for listening. This is such a delightful moment for me, when a well-respected and much-loved community of sport makes a commitment to create positive impact in the lives of children. It is time to celebrate. Why sanitation and why India? Open defecation affects every aspect of a child's life, making them susceptible to stunting and exposing them to diseases. The goal is to mobilize hundreds of millions of cricket fans across India to eliminate open defecation and to adopt best sanitation practices. रुको। सचिन। खुले में शौच करने से खेल ही नहीं, सेहत भी खराब होती है। इन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो फैलता है डायरिया, जो हमें बीमार और कमजोर बना देता है। शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें, बीमारियों को करें क्लीन बोल्ड। आई सी एन इनिशिएशन ऑफ अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई बीन एसोसिएटेड विद, and the association with UNICEF has been enriching. The statistics have truly been baffling as far as children being affected by this terrible disease. With diarrheal infected diseases, 1600 children die every day. And that number is disheartening. The mother in any family is the backbone. My mother, I was extremely active as a child and always believed in outdoor activity where my hands and my feet would get dirty. When I got back home, there were a number of occasions where I was slightly lazy and I didn't want to wash my hands. But my mother never allowed me
to sit on a dining table without having washed my hands. And today when I look back, you know, it's all about imparting correct knowledge, which my mother did. So a big thank you to my mother for, you know, taking care of me and making sure that, you know, I stay healthy, fit and fine. I've also made various school children understand how to wash hands. There is a technique which I learned from UNICEF experts, and they taught me. It took me literally 30 seconds to learn that technique, and to be able to impart that knowledge with a number of school children, because I believe if we teach them, we are automatically taking care of the next generation. And sometimes the knowledge doesn't filter down from top to bottom. And these are the approaches, because when a school child comes back home and you are sitting on a dining table, including your grandparents, your parents, everyone wants to listen to that school child. What have you learnt in school? So sometimes the knowledge can go from bottom to top. Team Swachh is a terrific initiative where it is for the safety and good health of children. I still remember my grandmother telling me, your health is your real wealth, so take care of your health. But how do you stay healthy? You stay healthy by keeping India Swachh. The initiative which was launched in 2014 by our Prime Minister Sri Narendra Modi ji. I feel with Swachh India, we're going to have Swasth India. We are all are going to go all the way fighting for this noble cause and saving many, many lives. Thank you. BCCI will support the Team Swachh campaign through player pledges, messaging and on-ground activation. Team Swachh is a movement for India which focuses on health and sanitation, especially among young children. And I'm sure during the World Cup, we'll be able to reach out to millions of Indians and to create awareness campaign among them towards the Team Swachh campaign. Keeping India as a launchpad with 1.2 billion people, I think we're reaching the right audience who not only love cricket, but also needs focus on these areas. And I can commit myself, BCCI and other members of the board and players to give all our support for this Team Swachh campaign. I'm extremely delighted to be part of Team UNICEF, especially the new initiative which is Team Swachh. There are three C's which I believe in this initiative which are going to be really, really important. Is through cricket we'll reach to the children of India and bring in that change. We don't want to lose this match at any cost. Stay that way. रश्मि है हाँ मुन्नु का मल है भाभी फेंक रही हूँ बहू इसमें क्या बड़ी बात है तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा मुन्नु का ही तो मल है इसमें क्या बड़ी बात है वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं अम्मा डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियां और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं और ये दोनों ही बीमारियां खुले में शौच के होने से फैलती हैं क्या बड़ी बात क्या? बच्चे के मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है खुले में शौच का समापन भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें ये हमारे हाथ में है स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर
तो देखा दर्शकों आपने, सचिन तेंदुलकर खुद बता रहे हैं कि मुझे यूनिसेफ के एक्सपर्ट्स ने सिखाया कि कैसे हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हाथ धोना जितना इम्पॉर्टेंट है, हाथ को सही तरीके से धोना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ममिता जी, कितना ज़रूरी है हाथ को सही तरीके से धोना और कैसे धोना चाहिए हाथों को? हाथ को सही तरीके से धोना भी इम्पॉर्टेंट है, और उसमें हमने हमेशा बोला है सिक्स स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, और वो सिक्स स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग हमने बहुत सारे अपने कार्यक्रमों में इंक्लूड किया है, बहुत सारे कम्युनिकेशन मटेरियल्स में हमने इंक्लूड किया है। लेकिन ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी, साबुन और हाथ का एक साथ वो ज्वाइन हो खाना खाने के पहले, मतलब हैंड शुड टच वाटर, वाटर शुड टच सोप, एंड ये तीनों का मिलन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में ये ज़रूरी है कि एनेबलिंग एनवायरनमेंट, और उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि हर एक स्कूल में ग्रुप हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए, वरना आदत तो आपके पास ज्ञान तो आ गया है, लेकिन जब तक वो सुविधा ना हो आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान के अलावा, ज्ञान तो बहुत, जैसे हमने बहुत सारे स्टडीज़ किए, हमें ये ज़रूर पता है कि नॉलेज लेवल्स बहुत हाई हैं, बच्चों को आपने एक बार सिखा दिया तो बच्चों ने समझ लिया, बच्चों को पता भी हो गया है कि हाथ धोना चाहिए, कब धोना चाहिए, कैसे धोना चाहिए, उनको आदत में, उनके ज्ञान में तो आ गया, उनको नॉलेज में आ गया, और यही नॉलेज जो हम घर में भी देते हैं। लेकिन जब तक उस स्कूल में, उस विद्यालय में वो बच्चा जो है उसके पास एक हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी ना हो, तब तक वो अपना हाथ, वो ज्ञान कैसे उसको प्रैक्टिस करेगा, उसी को हम लाइफ स्किल्स एजुकेशन कहते हैं। कि वो स्किल उसको बिल्ड करने के लिए वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है। आपने बच्चों को सिखा दिया कि टॉयलेट यूज़ करना चाहिए जी। लेकिन स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है तो वो क्या यूज़ करेगा जी। तो ऑब्वियसली वो बाहर ही जाएगा। तो इसके साथ साथ, और नॉलेज के साथ साथ, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना, फिजिकल एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैम, हाथ न धोने की वजह से क्या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का भी खतरा बना रहता है बच्चों में? साल पहले हैंड वॉशिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस तब आया जब H1N1 वायरस की वजह बात आ रही थी। सो इट सेड दैट यू नो हैंड वॉशिंग इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हैंड वॉशिंग जो है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी बदलाव आता, काफ़ी रिडक्शन आता है, और ख़ासकर डायरिया की जो हम एपिसोड्स की बात करते हैं, डायरिया में बहुत सारा रिडक्शन होता है। ग्लोबली बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं जिससे ये पता चल रहा है कि और एन एवरेज लगभग 30-50% डायरिया के जो केसेस हैं वो उसका रिडक्शन हो जाता है, उसमें कमी वो कम हो सकता है। और आप देखिए, जहाँ डायरिया की बात करते हैं, डायरिया से मेलन्यूट्रिशन से स्टंटिंग होता है बच्चों में, खासकर 2 साल के छोटे बच्चों में। और आखिर बताते हैं, डायरिया से जो प्रतिदिन मौतें होती है बच्चों की, उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आज आप जैसे सिर्फ भारत देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो लगभग देश में जितने विश्व में जितने स्टंटेड बच्चे हैं विश्व में, उसका 38% जो है वो भारत में है। सो इंडिया इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन ऑन दिस अर्थ। तो ये सारे जो हैं जो प्रॉब्लम्स है वो उसका एड्रेस करने से यही है कि उसका सोल्यूशन यही है कि वाटर सैनिटेशन, हाइजीन फैसिलिटीज़ घर घर तक पहुँचे, विद्यालयों तक पहुँचे, हर एक बच्चे तक पहुँचे, हर एक माता तक पहुँचे, एक प्रेग्नेंट वेमेन के पास ये नॉलेज हो कि हाथ धोने से क्या होता है, बच्चों को फीड करने के पहले कि हाथ धोना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग के पहले उनका हैंड वॉशिंग होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों का खाना बनाने के पहले हाथ धोना चाहिए, ये सारी जो नॉलेज है, ये सारी जो स्किल्स है उनमें देना बहुत ज़रूरी है। जो स्वच्छता है दर्शकों, ये आपकी लाइफस्टाइल बन जानी चाहिए, आपके जीवन शैली में उतर जानी चाहिए, आंतरिक रूप से आपको स्वच्छता को, जो सैनिटेशन है, उसे स्वीकार करना होगा। और यही बातें सामूहिक रूप से स्वीकार की है गारो हिल्स के कुछ गाँववासियों ने। आइए सीधे लेकर चलते हैं आपको वेस्ट गारो हिल्स के कुछ गाँवों में, और दिखाते हैं कैसे स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पर सफलता के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका सकारात्मक असर दूर दराज के इलाकों में भी नजर आने लगा है। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के गांवों में स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक नजर आए। अमिंडा रंग सागरे गांव में लोगों ने सड़कों और गलियों की सफाई का जिम्मा खुद पर ले लिया है। ये समूह बनाकर यहाँ सफाई करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सभी साफ सफाई की महत्ता से रूबरू तो होते ही हैं, साथ ही परस्पर तालमेल से गांव की प्रगति भी हो रही है।
यहाँ ज्यादातर घरों में शौचालय बन गए हैं। शौचालय बन जाने से माहौल तो साफ सुथरा हुआ ही है, साथ ही गंदगी के कारण बीमारियों में भी कमी आई है। शौच के बाद साबुन से हाथों की सफाई को लोगों ने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। 2011 में निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित होने वाला ये गांव कई मायनों में अनूठा भी है। यहां साफ सफाई से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बेहद सराहनीय है। महिलाएं बढ़ चढ़कर संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। यहां स्वच्छता गतिविधियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन कमेटी भी बनाई गई है। ये समिति यहाँ के लोगों को गंदगी मुक्त वातावरण की अहमियत समझाने के साथ साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वच्छता कायम करने की ओर प्रेरित भी करती है। यहीं से कुछ दूरी पर बसा है ओकपाड़ा गांव। इस गांव में भी स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को आसानी से महसूस किया जा सकता है। यहाँ लोग कुएं से पीने का पानी भरते हैं। पानी भरने से पहले वो बर्तनों की अच्छी तरह सफाई करना नहीं भूलते। वो पानी में प्रत्यक्ष या छिपी गंदगी को दूर करने के लिए छन्ना का प्रयोग भी करते हैं। स्वच्छ जल के लिए गांव के कुछ हिस्सों में नल की व्यवस्था भी की गई है। शौचालय घर घर में हैं और जहां नहीं हैं, वहां भी शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जोरों पर है। सड़कों की सफाई हो या फिर घरों की सफाई, ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक है। यहां वहां बिखरे कूड़े को वो अब कूड़ेदान में डालना सीख गए हैं। वेस्ट गारो हिल्स के डाको पगरे जैसे कुछ इलाकों में महिला क्लब के माध्यम से भी स्वच्छ माहौल कायम करने की सराहनीय कोशिश हो रही है। इन्होंने गंदगी मुक्त माहौल कायम करना अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया है। इनकी ये कोशिशें बेहतर भविष्य की आस जगाती हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ममिता जी, अगर बात की जाए सामूहिक रूप से स्वच्छता का पालन करने की, तो कितना ज़रूरी है लोगों के बीच में अपनत्व की भावना जागृत करने का? देखिए, मुझे लगता है यही एक सोल्यूशन है जी। कि जब लोग खुद शामिल होंगे, जब हर एक व्यक्ति को खुद को लगेगा कि हमें स्वच्छ रहना है, हमारे वातावरण को स्वच्छ रखना है, हमारे घर को स्वच्छ रखना है, देश को स्वच्छ रखना है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही है कि ये स्वच्छता का जो कार्यक्रम है, ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है सिर्फ, ये हर एक व्यक्ति का कार्यक्रम है। आप देश को प्यार करते हो, देश से आपको प्यार है, तो आपने अपने आप को स्वच्छ रखिए और अपने वातावरण को स्वच्छ रखिए। रही बात सैनिटेशन की, गाँव में टॉयलेट्स बनाने की जो बात आती है, हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि लोग जो है कुछ ऐसे फैमिलीज रह जाते हैं, शौचालय नहीं बनाते हैं। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। उससे हमें जो हेल्थ आउटकम्स है वो हमें नहीं मिलता है। हेल्थ आउटकम्स तभी मिलेगा जब पूरे की पूरी कम्युनिटी जो है, पूरे का पूरा गांव जो है, वो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे लोग जो है इकट्ठे उसका निर्णय ले कि पूरे देश, पूरे गाँव को हमको ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है। और अभी सरकार जो प्रयास कर रही है,
ये कर रही है कि पहले जिस तरह से हम मॉनिटर करते थे कि कितने शौचालय बने, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, एक रेडिकल शिफ्ट आया है। हम ये अभी गिनना शुरू किया, सरकार ने अपने मॉनिटरिंग सिस्टम में ये इंक्लूड किया है कि कितने गांव ओडीएफ हुए हैं, कितने गांव ओपन डिफिकेशन फ्री हुए हैं। यानी कि आपने 90% भी हासिल कर लिया तब भी आप गिनने में नहीं आओगे, आपकी गिनती नहीं होगी ओपन डिफिकेशन फ्री कम्युनिटीज़ में। आपका पूरा का पूरा 100% जब सभी के घरों में शौचालय होगा और सभी जब इस्तेमाल करने लगेंगे तब वो गांव गिनती में आएगी, तब वो गांव का पिक्चर या गांव का जो इन्फॉर्मेशन है आप MIS में अपलोड कर सकेंगे। लोगों में वो बदलाव लाने की बात है कि चलो सामूहिक रूप से हम अपने गांव को ODF बनाएं, साथ साथ में जब मॉनिटरिंग भी उस तरह से होता है तो जाके रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। अमिता जी, चलते चलते यूनिसेफ की ओर से हमारे दर्शकों और खासकर बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा देश हमारे लिए बहुत प्रिय है, तो देश को स्वच्छ रखने के लिए हमें अपने घरों को स्वच्छ करना है, अपने गांव को, अपने शहरों को स्वच्छ रखना है, और हमें हाथ धोना भी चाहिए, और हमें और कोई आदमी कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है, और हमें वही करना चाहिए जो सही है। और हम हर एक का एक अपना रोल होता है, वो रोल हम हर कोई निभाएं, और उनके लिए बहुत बड़ी शुभेच्छा है उनके लिए। ममिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी सारी सकारात्मक चर्चाएं आपने की, वाकई लाभप्रद होगी हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, कोई परामर्श आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा पता तुरंत नोट कीजिए। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन Phase 2, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। अगर आप ईमेल हमें करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए sb@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें हमारे एपिसोड्स को पुनः देखना या किसी और को दिखाकर जागरूक करना तो आप दूरदर्शन नेशनल के यूट्यूब लिंक के जरिए हमारे एपिसोड्स को बार बार देख सकते हैं। फिलहाल इस अंक में मयंक को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।